महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। फ्लोर टेस्ट पर बोले संजय राउत, कहा आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं रहेगी। फ्लोर टेस्ट कानून के मुताबिक नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित है, विशेष सत्र बुलाना कानून के मुताबिक नहीं है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त। फ्लोर टेस्ट पर संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाने को तैयार है। ये लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं रहेगी। और हमें पूरे विश्वास है अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर कानून की लड़ाई के साथ हम जाएंगे और कानून का अगर पालन किया जाएगा तो हम जीतेंगे। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, शिंदे गुट ने की मां कामाख्या की पूजा अर्चना। दर्शनों के बाद मीडिया से रूबरू हुए एकनाथ शिंदे, कहा महाराष्ट्र की जनता के लिए मन्नतें मांगी है, महाराष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले एकनाथ शिंदे, कहा फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाएंगे। विधायकों से बातचीत के बाद गठबंधन पर फैसला किया जाएगा। तो विधायकों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद गठबंधन पर फैसला किया जाएगा। अब ये तमाम विधायक जो गुवाहाटी में रुके हुए हैं, ये गोवा पहुंचेंगे और गोवा से फिर ये मुंबई जाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई जब ये पहुंचेंगे तो सीधे विधानसभा इन्हें ले जाया जाएगा, ताकि इनकी सुरक्षा को लेकर कोई सवाल खड़ा ना हो, इनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। क्योंकि शिवसेना की ओर से हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम अब खत्म होने की ओर है। आज माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उनके विधायक गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। इस समय आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं। ये सभी जो विधायक हैं, ये कामाख्या देवी के दर्शन कर रेडिसन ब्लू लौटे हैं। एकनाथ शिंदे और उनके साथ तमाम विधायक गए हुए थे गुवाहाटी में कामाख्या माता के दर्शन करने के बाद, और आप गाड़ी में देख रहे हैं एकनाथ शिंदे नजर आए हैं इस गाड़ी में। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एकनाथ शिंदे इस समय गाड़ी में हैं। एकनाथ शिंदे गाड़ी में उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप मुंबई कब जा रहे हैं? सर मुंबई कब जा रहे हैं? एकनाथ शिंदे को आप गाड़ी में देख पा रहे हैं, दर्शन करके लौटे हैं कामाख्या मंदिर के। उनके साथ तमाम विधायक मौजूद हैं, बाहर आके भी वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसी संभावना है कि बस एकनाथ शिंदे आज वापस मुंबई के लिए लौट सकते हैं, क्योंकि कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, गुवाहाटी। समृद्धि और समाधान माँ कामाख्या देवी के पास। कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। गवर्नर ने हाउस कॉल किया है, कल मुंबई हम लोग पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट। जो भी प्रक्रिया हम लोग हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ मुंबई। सर आप लोग एब्सेंट नहीं करेंगे ना सर वोटिंग को? मुंबई जा रहे हैं, कल मुंबई पहुंचेंगे। हाँ, और जो भी फ्लोर टेस्ट है, जो भी वहां पर कानूनी प्रक्रिया जो है निश्चित रूप से की जाएगी। फ्लोर टेस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उद्धव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, फ्लोर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शिवसेना का पक्ष रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है फ्लोर टेस्ट का मामला। उद्धव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, फ्लोर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शिवसेना का पक्ष रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले संजय राउत की ओर से इसी को लेकर बयान भी दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी लीगल टीम पर पूरा भरोसा है, जरूरत पड़ी है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े, तो वहीं गुवाहाटी से शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र आपके पास मैं पहुंचूंगी, उससे पहले ऐश्वर्य का रुख कर लेते हैं। तो ऐश्वर्य देखिए,
उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है, अब क्या रणनीति रहने वाली है उद्धव ठाकरे की? देखिए, उद्धव ठाकरे कैंप से बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वही बचा है एक ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन बचा है कि उद्धव ठाकरे जानते थे कि इस तरीके की स्थितियां बनेंगी, तो इन स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ राहत दे सकता है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्यपाल के इस डिसीजन पर क्या कुछ फैसला देता है, क्योंकि राज्यपाल को ये अधिकार होता है और राज्यपाल के लिए बेहद आवश्यक है सरकार अस्थिर ना हो, सरकार स्थिर हो, बहुमत जो है वो पूरा हो। ऐसे में राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ किस तरीके से डिसीजन आता है, राज्यपाल ने अपना फैसला लिया है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उनका क्षेत्राधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट इस क्षेत्राधिकार को, इस रिट पिटीशन को स्वीकार करेगी या फिर नहीं करेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है उससे पहले कहा यह भी जा रहा है कि प्रयास उन्होंने सारे कर लिए थे, उद्धव ठाकरे ने आखिरकार सारे प्रयासों में विफल होने के बाद अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट बचा है। क्योंकि कल शाम को जब हम शिवसेना भवन में गए थे तो वहां पर सांसद देसाई से जब हमने बातचीत की थी तो सांसद देसाई ने कहा था कि हमारे पास ऐसी स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट बचता है, क्योंकि कल जिस वक्त शाम को इस तरीके की खबरें आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से मुलाकात कर चुके हैं, उस वक्त शिवसेना भवन में कानूनविदों की एक मीटिंग हुई थी और कानूनविदों ने मातोश्री से सीधे उद्धव ठाकरे से भी संवाद किया था। ऐसे में कानूनविदों ने यही सलाह दी कि अब सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता बसता है। तो ऐसे में ये पिक्चर तब क्लियर हो गई थी जब उद्धव ठाकरे देर रात राजभवन पहुंचे और राजभवन में उस वक्त हमने दिखाया कि राजभवन में देवेंद्र फडणवीस जो है वो राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचकर हमने ये दिखाया था कि राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर ये बोले थे कि अब सरकार अस्थिर है। हमने फ्लो टेस्ट की बात कही है, सरकार अस्थिर है, फ्लो टेस्ट की बात कही है, सीधे तौर पर बात साफ हो जाती है। अब इंतज़ार कल तक का है कि आज देर रात आते हैं, कल सुबह आते हैं। हालांकि कल सुबह आने की बात चल रही है गुवाहाटी से विधायकों की, शिंदे कैंप के विधायक कब यहां आते हैं। लेकिन मैं बहुत क्लियर बता दूं कि जो तस्वीर थी वो अब बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एकमात्र ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट का। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई मोहर लगाती है, सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देती है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आसरा है। सुप्रीम कोर्ट यदि राहत नहीं देती है तो ऐसे में आप तय मानकर चलिए कि सरकार की स्थिति जो है वो बदल चुकी है, सरकार दूसरे हाथों में जाना लगभग तय है। क्योंकि आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी का वो अपनी रणनीति बना चुका है कि किस तरीके से तमाम विधायक जो है वो साथ होंगे और बहुमत जो है वो कैसे साथ दिखाया जाएगा। निर्दलीय विधायक जो हैं, निर्दलीय शिवसेना से समर्थन वापस ले चुके हैं, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे से समर्थन वापस ले चुके हैं। तो अब ऐसे में यहां पर फैसला जो आज का होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और उसके अलावा राजभवन में नजर इस वक्त रखी जा रही है कि राजभवन और क्या कुछ दिशा निर्देश देता है कल की तैयारियों के लिए। उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से बैठकें जो हैं वो लगातार जारी है, फिर से एक बैठक उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से की गई है। तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस है, उनकी भी बैठक जो है वो लगातार जारी है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के कोर सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आला कमान का एक मैसेज देवेंद्र फडणवीस लेकर आए हैं, उस मैसेज को जो है वो अपने संगठन को दे रहे हैं। विधायक जो है मुंबई आ चुके हैं, तमाम जो विधायक है वो मुंबई में आ चुके हैं या मुंबई के आसपास में हैं, क्योंकि देर रात तक सभी विधायक मुंबई में होंगे भारतीय जनता पार्टी के। अब ऐसे में एनसीपी जो है, एनसीपी दो दिन पहले, एक दिन पहले इस बात को मान चुकी थी कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार है, क्योंकि एनसीपी को स्थितियां पता थी। अब एकमात्र ऑप्शन उद्धव ठाकरे के पास यही बचता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ राहत देती है। बेहद सभी की निगाहें इस फैसले पर भी टिक गई है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है, क्या रुख उसके बाद उद्धव ठाकरे का रहेगा, क्या रुख शिंदे गुट का रहेगा। अब इसी को लेकर हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, देखिए शायद यही एक वजह है कि डायरेक्ट मुंबई नहीं लेकर लाया जा रहा है विधायकों को, पहले उनको गोवा ले जाया जाएगा और उसके बाद मुंबई आएंगे विधायक, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहता है वो देख लिया जाए, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाए, क्या ये कोशिश? देखिए, ये गोवा जाने की वजह नहीं है, गोवा जाने की वजह ये है आयुषी की गोवा से मुंबई की दूरी काफ़ी कम है
और कल सुबह बहुत आसानी से सभी विधायकों को गोवा से मुंबई ले जाया जा सकता है, क्योंकि गुवाहाटी से मुंबई की दूरी दूर है, गुवाहाटी में मौसम भी बारिश का है और एंड टाइम पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाएगा कि फ्लोर टेस्ट शुरू होने के दिन सभी विधायकों को यहाँ से रवाना किया जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं उड़ानों में बहुत सारे टेक्निकल रीजन होते हैं, तो दो रीजन है गोवा ले जाने के, एक तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो किसी तरह का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होगा, दूसरा गोवा से मुंबई की दूरी बहुत नज़दीक है। लेकिन ये सही है कि जो विधायक इस समय गुवाहाटी के होटल में हैं उनकी नज़र भी सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सुनवाई होगी, क्योंकि याचिका दायर हो गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से, उस सुनवाई पर है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट और सरकार के बीच में अगर एक अभी कोई ऑप्शन है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके का स्टे फ्लोर टेस्ट पर आ जाता है, 1% अगर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल फ्लोर टेस्ट रोक देता है, ये कहता है कि पहले विधायकों के निलंबन पर फैसला होगा, तो पूरी ये जो प्लानिंग है यहाँ से गोवा और मुंबई जाने की, हो सकता है उसी वो होल्ड भी हो जाए। लेकिन फिलहाल अंदर इस सबसे बेखबर जो तमाम विधायक हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ के, वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच में ये सभी विधायक इस होटल से गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जो पुलिस सिक्योरिटी होटल में अंदर थी उसको थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट के लिए शिफ्ट किया जा चुका है, यानी गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं, तो पूरी तैयारी यहाँ पर है। दूसरी जानकारी यह है आईओसी की, इस सब के बाद आगे की प्लानिंग भी काफ़ी हद तक तय कर ली गई है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ तक तय हो गया है कि जब नई सरकार का गठन होगा तो एकनाथ शिंदे ग्रुप के कौन से विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनेंगे, कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, कौन से पोर्टफोलियो बीजेपी अपने पास रखेगी, कौन से ऐसे पोर्टफोलियो होंगे जो एकनाथ शिंदे उनके ग्रुप को दिए जाएंगे। ऐसी भी खबर है कि जितने निर्दलीय विधायक इस समय एकनाथ शिंदे के पास हैं उसमें से 2 से 3 निर्दलीय विधायकों को भी देवेंद्र फडणवीस की आगामी सरकार, जिसकी की राह आसान होती नजर आ रही है, उसमें मंत्री बनाया जा सकता है। तो फुलौन रणनीति दोनों तरफ चल रही है, उधर बीजेपी मुंबई में और महाराष्ट्र में भी प्लानिंग कर रही है। ऐसी खबरें हैं कि सभी जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, वो 5 बजे मुंबई में जो होटल ताज है वहाँ पर इकट्ठा होंगे। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस वहाँ उन विधायकों की बैठक लें। शाम 5 बजे के मैसेज सभी विधायकों को भेजे गए हैं कि आप मुंबई के ताज होटल पहुँचे, जो मुंबई में ताज होटल है, और यहाँ से सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जरूर होगी लेकिन तैयारी कर रहे हैं गोवा होने रवाना होने के लिए, और गोवा में जो ताज होटल है यहाँ से एकनाथ शिंदे और उनके सभी जो विधायक आईओसी वो होटल ताज पहुँचेंगे, आज रात वहाँ पर रुकेंगे और वहाँ से सुबह रवाना होंगे वो महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, जहाँ पर कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। लेकिन उससे पहले एक जो अंतिम विकल्प इस समय उद्धव ठाकरे के पास बचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट, जिसने के 2 दिन पहले ये कहा था, जब जो उद्धव ठाकरे के लॉयर थे उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि जो ऑर्डर आप दे रहे हैं जिसमें 11 तारीख तक आप स्टे कर रहे हैं यथास्थिति के लिए कह रहे हैं, इसी ऑर्डर में लिख दीजिए कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, तो जो जज थे उन्होंने मना किया था, कहा कि इसको ऑर्डर में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा था कि समर वैकेशन शुरू हो रहे हैं, 11 तारीख की डेट काफ़ी लंबी है, अगर बीच में फ्लोर टेस्ट हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा देश के हर नागरिक के लिए हमेशा खुला हुआ है, यानी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक विकल्प छोड़ा था कि अगर फ्लोर टेस्ट बीच में होता है तो आप दोबारा आइए और उस याचिका पर हम अलग से सुनवाई करेंगे। और जो संजय राउत कह भी रहे थे, मैं आपसे कह रहा था 9 बजे जब हम बातचीत कर रहे थे, कि ये श्योर है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जाएगी, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता है। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो परिणाम सामने दिख रहा है, पूरे नंबर इस समय एकनाथ शिंदे के पास हैं, 2/3 से ज़्यादा विधायक शिवसेना के उनके साथ हैं, कंफर्टेबल निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं, और फ्लोर टेस्ट अगर हुआ तो महाअघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे का सरकार से जाना आईओसी तय माना जा रहा है। लेकिन इस समय गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में इंतजार हो रहा है कि जब एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायक, क्योंकि दोनों जो बड़ी बस है लग्जरी बस, वो होटल के अंदर मौजूद हैं, और किसी भी समय ये बताया जा रहा है कि किसी भी समय जो विधायक हैं वो उन बसों में बैठकर यहां से रवाना होंगे गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए। और गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है वहां पर एक चार्टर फ्लाइट तैयार है जो 90 सीट की बताई जा रही है, उस फ्लाइट में बैठकर ये सभी जो एमएलए हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथी वो उड़ जाएंगे गुवाहाटी से पणजी के लिए, जहाँ पर होटल ताज इनके लिए बुक कर लिया गया है, 70 कमरे वहाँ पर बुक कराए गए हैं। तो 10 दिन से जो ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था महाराष्ट्र का, वो अब कह सकते हैं कि समाप्ति की ओर है, क्लाइमैक्स बहुत नज़दीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, एकनाथ शिंदे की, बीजेपी की, उद्धव ठाकरे की, एनसीपी की, कांग्रेस की, और जब से राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है उसी
मुंबई में भी हलचलें तेज हैं। शरद पवार के घर पर एनसीपी के कई बड़े नेता पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलने भी जाएं। तो कुल मिलाकर जो आने वाले 1 से 2-3 घंटे का टाइम है वो बहुत उथल फुथल भरा रहने वाला है और इन 1-2 घंटे में तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। महागाड़ी की सरकार इंतजार भी यही है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है या कहें कि सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब है वो सामने आया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। पर वहीं अब इससे हलचल तमाम खेमों में तेज हो गई है, सभी आगे की रणनीति तो लगभग बना चुके हैं पर आगे की रणनीति इस फैसले पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है या कहें कि पूरी तरीके से डिपेंड करती है। यही वजह कि अभी हलचल तेज है पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आएगा तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐश्वर्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।